रंग से मिल जाए रंग होली फूलों का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है। होली को भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम जान लेते हैं कि होली का त्यौहार जब ये बचपन से खेलना शुरू किया था, आज तक कितना अंतर उस त्यौहार में पड़ा है और कैसे इस होली के त्यौहार को, इस खुशियों के त्यौहार को, रंगों के त्यौहार को मनाते हैं। जब आप बचपन से होली खेलना शुरू किया था, आज तक उसका कितना महत्व है और कितना बदलाव उसमें आया है? बदलाव तो ये वही पहले पानी डाला कर दे, किचड़ डाला कर दे और कोड़े बना के मारा कर दे। आजकल वो काम नहीं है, गुलाल लगाओ, फूलों से होली खेलो। तो पहले ये भी होता था जब आप खेलते थे कि लोग गुस्सा नहीं करते थे, आजकल गुस्सा हो जाता है? पहले गुस्सा नहीं करते थे बिल्कुल भी, आज तो थोड़ा सा भी छेड़ दिया किसी को पारा आई है। तो लगता है कि त्योहारों का जो महत्व है कम होता जा रहा है। होली का दहन होता है, उसके लिए कैसे पूजा पाठ करते हैं आप लोग, क्या उसका कार्यक्रम रहता है? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को और हर खबर की सारी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आरती कुन्नर और मेरे साथ साथ मेरी ननंद मनदीप कौर, हम साथ में ही, मैं अब आपको होली का महत्व बता रही हूँ जो आप पूछ रहे हैं। होली एक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाने वाला त्यौहार है और जिसको हम एक बहुत सबको क्रेज रहता है इसको मनाने के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो या कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को एक क्रेज रहता है कि होली आए और हम एक दूसरे के साथ होली खेलें। और जैसे कि आज हम ननंद भाभी बैठे हैं, ननंद भाभी का भी एक बहुत ही एक देवर भाभी का, ननंद भाभी का एक अच्छा त्यौहार माना जाता है। परंतु जो आजकल का टाइम है उसमें थोड़ा थोड़ा इसका क्रेज खत्म हो रहा है, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको मनाया जा रहा है, जो पहले एक बहुत ही बहुत अच्छे से इसको मनाया जाता था। मेरी तरफ से भी हर खबर टीम को और सभी दर्शकों को हैप्पी होली। होली एक कलरफुल त्यौहार है, तो ऐसा है कि जिस प्रकार सभी रंग हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर हैं, उसी तरह ही सभी जो लोग हैं हर जाति के, धर्म के, वो सभी से मिलजुल के मनाएं। और होली एक रंगों का त्यौहार है तो हर तरफ खुशी और उल्लास ही फैलना चाहिए। तो मेरी तरफ से सबके लिए हैप्पी होली। महत्व कितना है, पहले कैसे खेलते थे, आज कितना कम या ज्यादा हुआ है, बताइए इसको। देखिए, होली तो हमारे भारत की बहुत प्रमुख त्यौहार है, एक जो बहुत खुशी से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और पहले तो होली बहुत ही मतलब पानी वाली खेलते थे लोग, लेकिन अब आजकल लोगों में समझने लगे हैं पानी के महत्व को, तो इसलिए अब लोग पानी से नहीं खेलते। फूलों की होली भी खेली जाती है बहुत अच्छे से, और गुलाल, सूखा गुलाल से खेली जाती है और लोग बहुत हंसी खुशी इसको मनाते हैं, आपस में बड़े प्यार से मिलते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को मिठाई खिलाना पसंद करते हैं। जैसे गुजिया का बहुत रिवाज है होली पे, तो गुजिया बनाते हैं, घर घर में गुजिया बनती है और सब आपस में खिलाते हैं एक दूसरे को। आपका होली का कोई ऐसा याद हो कभी, सबसे जो अच्छा आपके साथ होली खेलने का एक्सपीरियंस आपका? जैसे कि मैं हॉस्टल में रह के पढ़ी हुई हूँ, तो हम लोग तो हॉस्टल में होली खेलते थे बहुत ही बढ़िया तरीके से। वो मैं कभी नहीं भूलती, पूरी लाइफ में अपनी में नहीं भूलूंगी उस होली को, कि हम सब फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कलरफुल, मतलब हम होली खेलते थे और खूब मस्ती करते थे। हम होली पे खूब डांस करते थे तब वहाँ पर, और फिर बाद में हमें हॉस्टल में जो खाने को मिलता था खूब अच्छे से हम वो सब इंजॉय करते थे, तो वो होली मैं कभी नहीं भूलूंगी। सर, होली का त्यौहार है तो किस प्रकार से यहाँ पर जरूरत है लोगों को होली के रंग लगाते हुए ध्यान रखने? मैं डॉक्टर राजेश सिंगला, संचालक SMC हॉस्पिटल, मैं अपनी तरफ से हर खबर हरियाणा को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो होली रंगों का त्यौहार है, हम सबको खेलनी चाहिए रंग गुलेल, फूलों की होली खेलनी चाहिए, लेकिन रंगों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए।
होली खेलने से पहले पूरे शरीर पे ऑयल लगाएं और उसके बाद ही होली खेलें। अपनी आँखों को, कानों को रंगों से बचाए रखें। रंगों के बहुत हानिकारक इफेक्ट भी हो सकते हैं। बहुत पक्के या केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग ना करें। हो सके तो नेचुरल कलर से ही होली खेलनी चाहिए। होली खेलते हुए अपने स्वास्थ्य का और अपने आँखों का बचाव रखें। सर, होली रंगों का त्यौहार है, पहले कितना महत्व था, आजकल कितना महत्व हो गया है और इसके बारे में क्या संदेश दें? सबसे पहले तो अनूप जी, आपके चैनल को, देश व प्रदेशवासियों को व सभी स्कूल स्टूडेंट्स को, उनके अभिभावकगण को होली की शुभकामना, और भगवान से कामना करता हूँ कि होली बड़ी खुशी का त्यौहार है और हर एक परिवार में खुशी के साथ ही मने। लेकिन पहले की अपेक्षा, जैसे आपने बताया, पहले की अपेक्षा होली का त्यौहार का महत्व घटता जा रहा है। पहले बिना पैसों की होली हम आपस के भाईचारे में बहुत अच्छी खेलते थे और बड़े प्यार से खेलते थे, लेकिन आज इकोनॉमिक का जमाना होते हुए त्यौहार की कुछ महत्वता घटती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी हम हरियाणा वासी होकर के जो होली का त्यौहार है आज भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और मैं फिर से कामना करता हूं कि देश और प्रदेशवासी बड़ी धूमधाम से होली मनाए, भाईचारा रखें, मित्रता बनाए रखें। इसी के साथ धन्यवाद। जब आप होली खेलते थे और आज होली में कितना अंतर देखे? बहुत अंतर हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा था, ये तो कुछ भी नहीं रह रहा। पहले तो बहुत ज्यादा खेलिया करते बड़े आदमी, ना तो वाह करिया करते पहले बड़े आदमी, वहाँ भी को नहीं करिया करते, अभी खिजा को नहीं करते। अरे तो खिजा है, ये तो बड़ा गुलेल लगा दे तो भी खिजा है, बच्चे लगा ले गुलेल लग जाए। हाँ, अरे कट्टे में माटी गला, पानी गला, ये गुलेल भी नहीं लगता। लोग लिया करते इतना, इतने कट्टे भर भर के गुलेल के आया करते थी, अब तो क्या है, किलो दो किलो गुलेल भी नहीं लगता। होली खेलने वाले क्या करे, बच्चे किसी को रंग लगाते हैं, जब ये आगे से ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, मेरे को मत लगाओ, मेरे को मत लगाओ, किसको रंग लगाएं, ऐसे सड़क पे फेंकने का क्या फायदा रंग को, किसी पे लगाएं, बच्चा खुश होए, अगला खुश होए, जब तो रंग लगाए। इससे अच्छा तो कहीं दरबार में चले जाओ, वहीं रंग लगाओ, वहाँ तो फिर भी कोई ना कोई माहौल है किसी को रंग लगाने से। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, यहाँ अपने द्वारका नाथ है, कहीं भी शाम खाटू श्याम है, कहीं दरबार में चले जाओ, वहाँ किसी को थोड़ा घना रंग लगा दो तो खुश हो जाते हैं वो, वहाँ क्या है किलो दो किलो रंग लग जाता है। यहाँ बाहर गलियों में तो कहीं मोल ही नहीं है रंग लगाने का, किसी के घर जाने से लगाने से कोई मोल नहीं रहा। पहले लोग घरों में खेलते थे, आस पड़ोस में खेलते थे या बाहर गली मोहल्ले में खेलते थे, अब ऐसा कोई माहौल नहीं रहा बाहर खेलने का या किसी के घर के जाके खेलने का, अपने अपने घर में मस्त है हर कोई। ऐसा कौन ये बड़े बहुआएं खिजे हैं, बहुआएं न्यू कहते हैं नाम नहीं खेल दे, क्वाड बेड बेड का भीतर बैठ जे, अपनी बहुओं को लोग खेलने नहीं देते, और ये बड़ी बहुआएं को नहीं खेल कर राजी बेटा के ले आ जाओ। आप जवान थे तब खेलते थे तब? हाँ खेलते थे, उस टाइम तो बहुत खेलते थे, इतने खेल लिया करते बहुत ज्यादा, कोई बुरा नहीं मानना करता उस टाइम, ये बुरा मानना है, ये तो बहुआ लुक जे है क्वाड बेड ले है पालड़ी बूढ़ी, तो आप लिख कर बुआ ने। सबसे पहले तो हर खबर के दर्शकों को और सभी भाइयों को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो इस बार होली का कितना चाव देखने को मिल रहा है? इस बार बहुत ही अच्छा होली का त्योहार मनने जा रहा है, क्योंकि दो साल से कुछ काम बहुत ही फीका था, अब की बार लोगों को, पब्लिक को बहुत ही हौसला है कि हम बहुत जोर शोर से होली मनाएंगे, और रंग बिरंगे गुलाल भी बहुत आए हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान के ही रंग आए हुए हैं, यानी के चाइना के, और अच्छे ढंग से होली मनाएंगे। हाँ हाँ, पूजा करते हैं, थाली लेके वो गोबर के उपले वगैरह डाल वगैरह भी लेके जाते हैं और होली पे चढ़ाते हैं। कौन सा आपको होली का पानी से खेलना अच्छा लगता है, रंग गुलाल या फूलों से? फूलों से। तो पानी से क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि एक दूसरे चिढ़ जाते हैं लगाने से, गिरने से पानी, और लड़ाई झगड़े का डर लगा। होली के महत्व के बारे में बताइए, आप किस प्रकार से एंजॉय करते हैं होली को? होली
रंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है और इस दिन एक दूसरे को गुलाल लगा के और मिठाई खिला के विश करके गले लगा के अच्छे से विश त्योहार को मनाते हैं। तो जो पहले होली खेलते थे पानी से गुलाल से, आजकल फूलों की होली आ गई है, कितना अंतर देखते हैं उसमें? अंतर तो बहुत है सर, क्योंकि पहले जो गुलाल की होली खेलते थे बेस्ट अच्छी मानी जाती थी, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता था उससे, और आजकल फूलों की भी अच्छी है क्योंकि लोग रंगों से परहेज करते हैं, एलर्जी वगैरह हो जाती है तो, बट जो रंगों से होली खेली जाती थी वो बहुत बढ़िया होती थी, बहुत बढ़िया होती थी ना। हमारे साथ तो और भी बहुत सारी वजू महिलाएं भी हैं। होली के त्यौहार में कहीं ना कहीं देखने में आया है कि आजकल लोग होली खेल करके कम खुश हैं, ऐसा क्या हुआ? नो दोनों बात है जी, कहीं खेल के भी खुश और कहीं ना भी खेल के खुश हैं। देखो ऐसी बात नहीं है कि कोई खेल के भी खुश को नहीं, बहुत से खेल के भी खुश हैं और कहीं नहीं खेल दे, बाकी त्योहार तो खुशी का है। जब आप लोग खेलते थे तो बहुत सारी महिलाएं पुरुष इकट्ठे हुआ करते? हाँ वो या करते जी, बहुत खेलिया करते, बहुत अच्छा लगिया करता, राज भी अच्छा लगा। उस समय हरियाणा अपना खास करके जहाँ कोरडों का रिवाज भी होता था? हाँ जी उस टाइम भी था, हम छोटे छोटे देखा करते कोरडों का था रिवाज। आजकल तो नहीं रहा वो चीज? आजकल क्या है, वो ठहले मैं तो ठहली डंडी ठहली, वो बेकार सौदा, सिस्टम बेकार है जी। जी हमारे साथ कुछ यूथ जनरेशन मौजूद है, आप कैसे होली को एंजॉय करते हैं? हम सब अपनी गली में त्योहार मनाते हैं, डीजे वगैरह लगाते हैं, फूलों की होली खेलते हैं और पानी से परहेज रखते हैं। कभी अपने मम्मी पापा या दादा दादी से सुना होगा पहले होली कैसे खेलते थे? पहले तो गांव वगैरह में कीचड़ वगैरह की ज्यादा होली खेली जाती थी और गुलाल वगैरह से खेलते थे, लोग एक दूसरे के घरों में आ जाते थे, ये सब होता था सर। तो अब कितना अंतर देखते हैं आज की होली में और पहले की होली में? अब तो बहुत अंतर आ चुका है, अब तो कोई इतना मजे से खेलता नहीं है, अब तो बस सारे अपने अपने घरों में होते हैं या फिर गुलाल से। आपकी होली का कोई एक्सपीरियंस, सबसे अच्छी होली आपकी कौन सी रही? वो तो हमारी कल ही होगी सर, अब तो जब हम कल सेलिब्रेट करेंगे। पहले की कोई ऐसी होली है जो आपको यादगार रहो अभी की? पहले की तो बस हम तो मंदिरों में जाके खेलते हैं फूलों की होली, बस वही सबसे बड़ी यादगार है मेरी तो। कैसे बच्चे आप होली खेलते हो तो कैसा महसूस करते हैं, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सभी रंगों के साथ खेलते हैं और डीजे चलाते हैं, डांस करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो जैसे और त्योहार हमारे देश में आते हैं ऐसे होली का त्योहार भी आता है, तो और त्योहारों की बजाय रंगों का त्योहार ये कहा जाता है, रंगीला त्योहार है, तो इस त्योहार का कितना उत्साह पहले से हो जाता है मन में? सभी मिलके खेलते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, पानी डालते हैं और सब मतलब सभी मिलजुल के खेलते हैं और भाईचारा बढ़ता है जी। देखिए हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं और यूथ की यहाँ पर लड़कियां जो हमारे साथी, सबका कहना है अपने अलग अलग एक्सपीरियंस सबके होली के हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं होली का त्यौहार बड़ी खुशी और धूमधाम से हरियाणा में मनाया जाता है। होली का त्यौहार कहीं लठमार होली होती है, कहीं कोरडों की होली होती है, कहीं रंग फूलों की होली होती है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि ये होली का त्यौहार ऐसे ही लगातार बढ़ता रहे, आने वाले समय में भी इन त्यौहारों की जो रौनक है वो कभी कम ना होने पाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। वसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी, उड़ा गुलाल, हरा पीला नीला लाल गुलाबी, चलो आई रे ये होली आई। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं हर खबर और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश होली के बदलते रंग में। बदलते समय के साथ होली खेलने के तरीके और मायने भी जो हैं वो बदल गए हैं। तकरीबन 2 साल के बाद इस बार जो ये होली है इसको लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। हिंदू धर्म में होली और दीपावली का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब कोरोना के 2 साल निकलने के बाद होली किस तरीके से मनाई जा रही है वो देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो समय के साथ होली के मायने बदल रहे हैं, खेलने के तरीके बदल रहे हैं, वो कितने बदल रहे हैं। बात करेंगे बुजुर्गों से भी, नौजवान साथियों से भी और बच्चों से भी और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जनरेशन के साथ साथ होली खेलने के तरीके बदल रहे हैं, 2 साल में कितना होली में बदलाव आया है और आखिर बाजारों में
इतने समय में जो रौनक है वो किस तरीके से बढ़ी या फिर कम हुई है। बदलते समय के साथ होली खेलने के तरीके और मायने भी बदल रहे हैं। हर व्यक्ति आज के समय में अपने तरीके से होली खेलना पसंद करता है। कोई रंगों से होली खेलता है तो कोई गुलाल से, कोई अपने घर में गुंजिया खाकर होली मनाता है तो कोई तीखे पकौड़े। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हर किसी की होली किस तरीके की है और कोरोना के बाद जब 2 साल के बाद जब आज होली की धूम जो है वो देखने को मिल रही है तो उससे लोगों में कितना उत्साह है। तो चलिए चलते हैं बाजार में और जानते हैं कि इस बार की होली में क्या कुछ खास है और कितने बदलाव वाली है ये होली। भैया क्या नाम है आपका? अजय। भैया होली जो है हर साल जो है, हालांकि आता हर साल है त्योहार, लेकिन बदलता जा रहा है, किस तरीके से आप मानते हैं कि बदल रहा है? मौसम के तरीके से बदल रहा है मैडम, अभी तो काम थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, बस स्लो स्लो चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों? कुछ कोरोना की दिक्कत से आ गई थी और पब्लिक बाहर नहीं आ रही है। अच्छा, आपका बचपन याद होगा आपको, तो बचपन में जो होली थी वो किस तरीके की हुआ करती थी? आपको कौन सी होली खेलनी पसंद थी? सूखे गुलाल की। सूखे गुलाल की। बचपन में कोई ऐसा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, कीचड़ में होली खेली आपने? कीचड़ में बहुत खेली, गांव में खेलते थे कीचड़ में। हाँ जी। तो अब वाली होली और जो आपकी वाली होली थी वो कौन सी बेहतर मानते हो? पहले वाली अच्छी होती थी। इनका कहना है कि पहले वाली जो होली थी वो बेहतर होती थी, लोग कीचड़ में भी होली खेलते थे और उस समय उस मिट्टी के अंदर भी एक अलग ही जो है खुशबू हुआ करती थी इस मिट्टी में। हालांकि खुशबू आज भी है लेकिन आज बच्चे जो है मिट्टी में जाने से थोड़े से बचते हैं क्योंकि बीमारियां बहुत तरीके की आ गई हैं, लेकिन होली जो है वो बदलती जा रही है। तो चलिए जानते हैं और लोगों से। तो देखिए यहाँ पर होली के जो गुलाल के यहाँ पर है पिचकारियां अलग अलग तरीके की यहाँ पर है। पहले बात करेंगे और फिर दिखाएंगे कि आखिर इस बार होली में बाजारों में क्या कुछ खास है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है, मेरी फर्म का नाम है गुनाक्षी टॉयस। हाँ। और होली में अब की बार है हर्बल कलर है हरिदर्शन के। लोगों ने क्या कर रखा है, 3-3 साल पुराना माल बेच रहे हैं। हाँ। मैं हरिदर्शन का माल बेच रहा हूँ, प्योर हरिदर्शन हर्बल गुलाल, इसमें 4 कलर आते हैं और ये हर्बल है। जी मैम। इसमें क्या कुछ खास है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? मिलावट नहीं होती है, जेनुइन कंपनी से आते हैं और डेली के डेली बन रहे हैं, डेली के डेली आ रहे हैं। जी आपकी बचपन की होली आपको याद होगी, उस होली में और आज की होली में क्या अंतर है? बहुत फर्क है, 3 साल से 2 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है कोविड के चक्कर में, ये तीसरा है लोग अच्छी होली मना रहे हैं, जेनुइन होली मना रहे हैं और जो हम उसका खेल रहे हैं हरिदर्शन हर्बल गुलाल के साथ। इनका कहना है कि हम जो है हर्बल गुलाल यहाँ पर बेच रहे हैं। इस बार आपको बता दूं कि मार्केट में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सेफ होली खेलने के लिए बिल्कुल आप खेल सकते हैं सेफ होली, जिसमें से ये हर्बल जो गुलाल है उसका भी इस्तेमाल आप जो है वो कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी जो है हानिकारक नहीं होगा। बाजार में है और देख रहे हैं कि इस बार होली में कितनी धूम है और मार्केट में क्या कुछ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की जो पिचकारियां है वो है क्योंकि बच्चों को जो है कार्टून्स का बहुत शौक होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इस बार जो है अलग अलग तरीके की जो पिचकारियां है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे दुकानदार है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके पास इस बार क्या कुछ नया है, इस बार क्या कुछ नया जो है वो बच्चों के लिए है इस होली पर। देखिए मैडम, नया तो कुछ भी नहीं है, जो भी है ठीक ठाक चल रहा है। बस इतना नया है कि कोरोना का जो कहर था वो खत्म हो गया, इस वजह से खुल के बच्चे जो है अच्छे से त्योहार को मना सकते हैं। अच्छा, जो ये इस बार जो ये छोटा भीम वाली होली पिचकारियां मार्केट में दिख रही है, आपको बता दूं आप ये देख सकते हैं कि ये जो है रोल ऑन 21 कार्टून है और उसकी जो पिचकारियां हैं वो मार्केट में है। छोटा भीम, जी हाँ, अगर आपके बच्चे को छोटा भीम पसंद है तो इस तरीके की पिचकारियां भी जो है वो इस बार मार्केट में है। और इसी के साथ साथ लड़कियों की पसंद का भी काफी जो ख्याल है
इस बार मार्केट्स में रखा गया है, जिसके लिए ये प्रिंसेस वाली जो पिचकारियां हैं वो भी मार्केट्स में है। तो इस बार मार्केट्स में वैरायटी काफी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो दो साल के बाद, एक तो कोरोना का समय और बचपन की जो होली थी वो जो अब की होली है उसमें कितना अंतर है, लोगों को कौन सी होली ज्यादा पसंद है। कोरोना की दो साल की होली के बाद इस बार होली में बाजारों में क्या माहौल है ये देख रहे हैं। इस बार मिठाइयों पर कितना असर पड़ा है ये भी जांच रहे हैं कि इस बार मिठाई क्या कुछ खास जो है वो मार्केट में है। सर क्या नाम है आपका? सचिन सैनी, रिवर्ड स्वीट से। सर इस बार मार्केट में कैसा माहौल है, दो साल की कोरोना के बाद की जो होली है वो कैसी निकल रही है? मैम पिछले जो दो साल थे उसके अंदर में काफी लॉस हुआ है बिजनेस को भी कोविड की वजह से, पर इस बार कुछ माहौल थोड़ा सा दुरुस्त है कंपैरेटिवली पिछले दो साल के मुकाबले में। तो इस साल पब्लिक में भी थोड़ा सा उत्साह है और वो खुशी मतलब दिख रहा है उसमें, काम पे ऐसा दिख रहा है कि कंपैरेटिवली पास्ट ईयर्स के मुकाबले इस बार बेटर है। अच्छा सर, वो मिठाइयाँ देखेंगे, इस बार गुंजिया कई तरीके की मार्केट में दिख रही है, तो आपकी जो गुंजिया है वो देखना चाहेंगे? जी मैम, अपने पास में 5-6 तरह की वैरायटीज है, ज्यादा चलने वाली है जो केसरिया गुंजिया होती है मैम, और इसके बाद में अपने को ये चंद्रकला आ जाती है, समोसा गुंजिया है, और कुछ अपने को इस बार ये है चॉकलेट गुंजिया भी है यहाँ पे, और आपका ठंडाई गुंजिया है, और ये एक सतपड़ा समोसा होता है जिसको पैटीज गुंजिया कहते हैं, ये भी है अपने पास। तो इस बार जो लोग हैं उनमें कौन सी गुंजिया का जो माहौल है वो दिख रहा है, लोग ज्यादा कौन सी जो गुंजिया है वो पसंद कर रहे हैं? अपने को गुंजिया तो रेगुलर ये स्टफिंग गुंजिया होते हैं केसरी वाली, ये ज्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद ये चंद्रकला और समोसा गुंजिया है। मतलब अब की बार का माहौल बेहतर है पिछले मुकाबले में, पिछले दो साल के मुकाबले में इस बार हमारे कस्टमर में भी और माहौल में भी उत्साह है मैम। सर ये तो हो गई होली की बात, गुंजियाओं की बात, अब जानना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में, आपके बचपन की होली आपको याद है? बचपन की होली तो सबको ही, सभी जो छोटे रहते हैं सबको याद रहती है। तो कैसी होली हुआ करती थी उस समय? मैम उस समय उत्साह रहता था, वातावरण के अंदर में भी खुशी रहती थी, 3-4 दिन पहले से रंग गुलाल खेलना चालू कर देते थे, पर अब माहौल के अनुसार सब चीजें बदल चुकी हैं। तो आपके बच्चों वाली होली बेहतर है या आपके बचपन वाली होली? हमारे बचपन वाली कहेंगे। बिल्कुल, इनकी भी जो पसंद है वो वही है कि इनकी बचपन वाली होली। आपको हमने दिखाया कि आखिर मिठाई की दुकान पर कितनी रौनक है, और मिठाई की दुकान पर लोग के लिए इस बार कौन कौन सी तरीके की जो गुंजिया है वो मार्केट में अवेलेबल है। बाजारों में है और जान रहे हैं कि होली के मायने कितने बदले हैं, तरीके कितने बदले हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता रॉय है। आंटी आप बचपन में होली खेली आपने? बहुत 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 मजा किया है। क्या क्या करते थे? पानी से खेलते थे, गुलाल फेंकते थे, और मिठाइयाँ खाते थे, गुजिया खाते थे। यही अब की होली में और जो पहले की होली है आपको कौन सी बेहतर लगती है? पहले वाली। अब कोई मजा नहीं है, अब बच्चे बाहर नहीं निकलते? बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, अपने घर के अंदर मस्त रहते हैं, बच्चे कहीं जाते नहीं है, वो वाली बात नहीं है। पहले वाली होली में बहुत डिफरेंट आ गया, बहुत ज्यादा। तो आपकी होली सबसे बेहतर थी? हाँ हमारी होली सबसे अच्छी लगती थी। गली में घूमना फिरना, बच्चों के साथ खेलना, शाम तक खेलते रहते थे, इंजॉय करते थे, पकौड़े खाते थे, गुजिया खाते थे, पापड़ खाते थे। लेकिन अब के बच्चे ना तो खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही घर से बाहर निकलते हैं। रीजन अब ये भी एक हो गया ना कि मोबाइल, सबसे बड़े से मोबाइल, वो मोबाइल में बच्चे लगे रहते हैं, अपना जाते ही नहीं है कहीं खेलने। अच्छा, के लिए आपको क्या लगता है जो ये होली है इस बार जो पानी की इतनी कमी हो रही है, तो बच्चों को अगर जो होली खेल रहे हैं उनको कैसे होली खेलनी चाहिए? गुलाल के साथ दी बेस्ट, गुलाल के साथ खेलिए ज्यादा अच्छी है। बस अपने जाइए और गुलाल लगाइए, पानी की वेस्टिंग, पानी वैसे भी देश में कम हो रहा है और पानी की तो वैसे भी बहुत कम से कम यूज होना चाहिए। गुब्बारे नहीं मारने चाहिए किसी को क्योंकि चोट लग सकती है उससे, और पानी से तो कत्ते ही नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा, बचपन में आपको याद होगा बचपन में आपने भी बहुत गुब्बारे मारे होंगे? नहीं गुब्बारे से हम नहीं खेलते थे कभी भी। अच्छा। गुब्बारे बस पिचकारी एक भरी और उसी को छुड़ा दिया बस। आजकल के बच्चों में पिचकारी का क्रेज थोड़ा कम हो गया? पिचकारी ले आते हैं लेकिन वही छोटे वाली ले रही बच्चों ने वही खेल लेते हैं, लेकिन क्या है कि छतों पे पानी भर के रख लेते हैं लोग बाग, चलते हुए लोग बाग पानी फेंकते हैं, वो ना वेस्टिंग का ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल,
वो पानी का जो है इस्तेमाल इतना ज्यादा ना करें, वेस्ट ना करें, क्योंकि पानी जो है उसकी किल्लत तो हो ही रही और जल ही जीवन है, जैसा कि हर कोई व्यक्ति और भारत में लगातार ये मुहिम चल रही है कि जल को बचाना है। तो इस बार अगर आप भी होली खेल रहे हैं तो फिर जल का बिल्कुल भी जो है दुरुपयोग ना करें, बिल्कुल भी ना बिखेरें, बस गुलालों के साथ, हर्बल गुलालों के साथ होली मनाएं। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी होली कैसी थी। होली जान रहे हैं कि कैसी थी। क्या नाम है आपका? दिनेश गर्ग। बचपन की होली याद है? बचपन की होली बहुत अच्छी तरह याद है। कैसी हुआ करती थी? हम रात को नींद नहीं आया करती, रात को टप भर के पानी भर के गुब्बारे भर के सोया करते, सुबह 6 बजे उठ जाया करते, 5 बजे उठ जाया करते, फिर सबको मारा करते। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब धीरे धीरे वो चीज बदलाव अगर आएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद अब कोरोना के बाद होली मनाई जा रही है, बदलाव आया है? बदलाव आएगा और धीरे धीरे अब लोगों में क्रेज भी है, लोग नई नई चीज ढूंढ रहे हैं, पिचकारी ढूंढ रहे हैं, लोग नए नए गुलाल ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दिन हमारे दोबारा आ जाए, वापस आ जाए। लेकिन अब की होली में और पिछली पुरानी होली, बचपन वाली होली कौन सी बेहतर मानते हैं? जो बचपन की होली थी उसका कोई मुकाबला नहीं है। और पहले की होली और अब की होली में बहुत फर्क आ चुका है, बदलाव। बच्चे और आपके बच्चों वाली होली अच्छी थी या आपके बचपने वाली होली? नहीं, जो हमारी होली थी वो अच्छी थी। बिल्कुल, इनकी होली थी वो बेहतर थी। हर व्यक्ति यही कह रहा है, जो हमारे बचपन की होली थी वो बेहतर थी, अब के बार जो बच्चे हैं वो थोड़ा कम होली जो है वो खेलते हैं। और लोगों से बात करते हैं, होली के मौसम में जो बाजारों की रौनक है वो देख रहे हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है वो भी देख रहे हैं, बुजुर्ग ने होली कैसे बनाई ये भी जान रहे हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। बेटा, होली की पिचकारी लेने आए हो, होली खेलते हो? यस। कैसे खेलते हो? रंगों से। रंगों से, पिचकारी से? हाँ। पिचकारी से भी खेलते हो? हाँ। डर लगता है होली खेलते वक्त? नहीं, नहीं लगता। अपने पापा से कभी पूछा है कि पापा आपने होली कैसे खेली? हाँ, काफी। कैसे खेलते बताते हैं कैसे पापा? वो बताया है कि हम भी पिचकारी से खेलते हैं, रंग से खेलते हैं। हाँ। और काफी मजे करते हैं, गुजिया खाते थे। आप खाते हैं गुजिया? हाँ। तो मस्ती करने वाले हो अब की बार? हाँ। 2 साल के बाद होली खेलने वाले हो? हाँ। बिल्कुल मस्ती? हाँ बिल्कुल। इस बच्चे ने जो है साफ कर दिया। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? अजय। होली खेलते हो? हाँ। क्या करोगे इस बार होली पे? खेलूंगा। क्या क्या करोगे? मस्ती करूंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा। अच्छा, पिचकारी ले ली? अभी नहीं, पिचकारी सब कौन खेलता है। फिर कैसे खेलोगे? गोबर से खेलते हैं। गोबर से खेलोगे? अच्छा, आपको बता दूं कि बच्चे गोबर से भी होली जो है वो खेलते हैं। और हर किसी का जो है होली खेलने का तरीका अलग होता है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से जो है होली खेलना यहाँ पर पसंद करता है। लेकिन हर खबर आपको यही कहता है कि आप पानी बचाएं और ऐसे गोबर वोबर से जो है होली खेलना थोड़ा अवॉइड करें। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आज भी जो है मिट्टी के साथ, कीचड़ के साथ और गोबर के साथ होली खेली जाती है और उसका भी जो है अलग ही जो है आनंद है। तो ये जो होली का सफर था, हमने आपको बताया कि होली के ये रंग जो है वो कितने बदले हैं 2 सालों में, और जो बुजुर्ग थे हमारे वो किस तरीके से होली खेलते थे, और आज के समय में जो है होली किस तरीके से जो है वो खेली जाती है। अब आप भी याद कीजिए कि आखिर आपकी होली कैसी थी और आपके ये बच्चे किस तरीके से होली खेल रहे हैं, और उनको उत्साहित कीजिए कि होली ऐसे नहीं, ऐसे खेली जाती है। फिलहाल इस पेशकश में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।